वो करिएगा हैं? चलेगा बाकी ना बज रहा है। देखिए 6 बज रहे आप खाली कान में ईयरफोन डाल के। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं एक नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, और वो जो है काफ़ी अच्छा जगह। मैं तो जा चुका हूँ लगभग 2-3 बार, लेकिन संतोष भैया अभी तक नहीं गया है, तो उसको मैं लेकर के जाने वाला हूँ। वो बहुत ही अच्छा पीसफुल जगह है, तो आप लोग को भी लेकर के जाऊँगा। वो अगर आप गणपतगंज सिमराही वाले इलाके में रहते हैं तो वहाँ पर एक बार ज़रूर जाइए, आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा। तो चलिए आज का ब्लॉग हम लोग स्टार्ट करते हैं। सोच रहे हैं क्या कि वाला जो है ना ब्लॉग भोजपुरी में बनाया जाए? बोलवा भोजपुरी बनाओ, हमरा का हमरा तेवे करेला सर आवेला, इनको भोजपुरी हमरो आवेला। हम दोनों बनी जा बिहार से, काहे कि बिहार में चलेला भोजपुरी, तो अब हम लोग के भी ब्लॉग में तनी मनी भोजपुरी देखे के मिली का। सही नो ठीक बा, चले के चले के नया जगह डिस्कवर हुई आज, मजा आई खूब। चला 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 हो चला ड्राइवर बाबू, चला ना हो ड्राइवर बाबू। अरे दीपकर धक्का मत मार दिया। हाँ हाँ तो प्रेम से बोला राधे राधे। जैसा कि आप सब देख सकत बानी कि अब जे बा इन्हें ओस जो है ना पूरा आ गई बा, मतलब कि थोड़ा थोड़ा जो अब ठंडा जो ना आवता है ना, आप जाड़ो लागत रहेगी ना भैया, तनी बढ़िया चलावा बा, डरो लागे ला कभी धुकुर धुकुर होला कहीं ठोक ना दियो। तो हम का बोलत रही मजा बा चल जाइब, तो बस मजा चल जाइए हवा में। हाँ तो का बोलत रही हम, हाँ ठंडा लागत लागत रहे कि ना अलग ही मजा रहेला। सूरज निकलते रहे ना, कुछ में निकल गए भाई। हाँ ये टावर नया लग रहा है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये पानी टंकी सब जगह लगा है गांव गांव, ये खुद ही बाढ़ वाला इलाका, और देखिए यहाँ पे पानी टंकी लगाया गया है। इस पे मैं जरूर ही एक सीरियस वीडियो बनाने वाला हूँ और जरूर बनाऊंगा इस बात को लेकर के कि आखिरकार इस इलाके में, मैदानी वाले इलाके में जहाँ पे पानी आपको 10 मीटर के आसपास में मिल जाता है, वहाँ पे आपको इस टंकी का क्या ज़रूरत था और इसमें बहुत ही ज़्यादा खर्चा हुआ। तो मैं इस पे पूरा डिस्क्रिप्टिव एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखना। लेकिन पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तभी ना आपका आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलो वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग आ गए कहाँ, भपटियाई स्टेशन ना, भपटियाई स्टेशन पूरा कंप्लीट हो गया है। रेलवे क्रॉसिंग है, भपटियाई रेलवे क्रॉसिंग स्टेशन। हाँ स्टेशन भी बगल में ही है।
क्रॉसिंग तो है बगल में। तेरा हम लोग मानी चलन आइया देखा दे ये मैंने ये सजाए के बा इन्ने से सिमराही पूर्णिया इन्ने पूरा एकदम संठी मिले ला रहे हमार कॉपीराइट लग जाइए ऐसे गाना बजते बा बकर बकर करत मानी ज्यादा कैसे हो या? कॉपीराइट दिलवाई बा तो कैसे हो या? कॉपीराइट नो लग जाई गाना कैसे बजाओ ताड़ो गाना एडिट कर दिया बा गाना कैसे तो वॉइस नो चल जाई थोड़े अलग से वॉइस रही या गाना ना रही ई कहां से उतना के अब एडिट करी हो कौन फ्रीक्वेंसी पे चला था हमार फ्रीक्वेंसी मैच भइल तब गइल सब उड़ जाई ई हम पूरा देहात वाला इलाका पूरा संठिये संठी बा ने लेकिन होई आगे जाके पूरा खाली हो जाई सब गांव ना रही आई सब कोसी के बांधे के रोड बनल बा पूरा एकदम बा बढ़िया जगह बा लेकिन एकदम सुकून मिली अगर जा वो जा पहुंच जाए ना पूरा सुकून मिली एकदम नदी बा एकदम एकदम नदी बा एकदम पूरा बढ़िया चारों बगल एकदम अपन रहा वही जब फैमिली के साथ जाए के बाद फैमिली के साथ जाओ जा मस्त एकदम खाना पीना लेकर के जा बैठा जा एक घंटा आधा घंटा आराम से थोड़ा देर एकदम शांति रिलैक्स फील हो एकदम अब मजा आवेला खूब मजा आवेला उस टाइम में। तो ये में क्या बात कि अगर तू ये रास्ता पे जाते जाइब तो पहुँच जाइब नेपाल नेपाल में जब भीमनगर ई सब होते हुए पहुँच जाइब सिमरी बख्तियारपुर नेपाल नेपाल में घुस जाइब अगर ई वाला रोड घूम के जाइब मजा आ जाइ एक दिन नेपाल लेके जाइ दुनिया के चैनल पे बने रह बने रहब तबे ना कोई हो आए क्योंकि आस पास में बहुत सारा खेत होता है ना तो वहाँ पे बहुत सारा खाद ये सब डाला जाता है जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो आकर के नदी में मिलता है नदी में बहुत सारा वैसा पौष्टिक तत्व मिल जाता है उस वजह से उसके परत पे यूट्रोफिकेशन वैसा पौधा करता है जो खुद से प्रकाश संश्लेषण कर सकता है उसी तरह से उसके परत पे जम जाता है हरा रंग का बहुत सारा इस वजह से क्या होता है नीचे का जीव जो भी रहता है ना उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो ये मतलब सही नहीं है एक तरह से एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा नहीं होना चाहिए देख रहे हो सब जगह यही ऊपर से परत है जमा हुआ ये अक्सर में नीचे वाले जीव को मार देता है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा लाइट नहीं पहुँच पाता नीचे तक नीचे का सारा जो इकोसिस्टम है वो खत्म हो जाता है और हम लोग को जाना है ऐसे ही किसी जगह पे मतलब जो अच्छा जगह हो ना इधर ही पे जाना है ये पूरा बांध वाला एरिया है हाँ बाढ़ उठाते रहते हैं बाढ़ ज्यादा पानी भर जाता है कोसी नदी में तो ये सब पूरा डूब जाएगा ये सब पूरा डूब जाता है अच्छा बस यही पैसा है यही पे यही पर यही है आगे वाला तो हाँ आगे वाले से अंदर गए थे अंदर जाना है जाएगा तो हाँ देख लो रास्ता अगर अभी भी सही है तो आराम से जाते हैं हम लोग अंदर वहां तक जाते हैं एकदम यही है लास्ट तक हाँ हाँ देखते हुए जाना पीछे मुड़ना भी होता है ये हम लोग जा रहे हैं बांध के अंदर कोसी के अंदर अभी तो पानी बहुत नीचे चला गया पानी बहुत नीचे है बहुत पानी जब ऊपर रहता तो इधर का मंजर रहता है पूरा ये सब डूबा हुआ रहता है ना ये सब पूरा डूबा हुआ रहता है यहाँ पे आप आओगे तो मजा आ जाएगा यहाँ पे चलो बस यहीं पर अंदर गाड़ी यहीं लगाता गाड़ी यहीं लगा दो और आगे नहीं था कुछ आगे क्या है बस ऐसा ही है सब आगे जाइएगा तो बस नेपाल पहुंच जाइएगा और नेपाल चलेगा तो क्या नहीं? चलेंगे एक दिन नेपाल बॉर्डर घुमाएंगे सब क्या
यहाँ पे अगर इसको बोला जाए, इसको अच्छा से अगर बना दे, कोसी को बांधिए दिया, यहाँ पे अगर अच्छा से बना दे तो पर्यटन के लिए बहुत अच्छा जगह हो जाएगा। बहुत स्थिति खराब, इससे बढ़िया बढ़िया जगह का तब क्या हालत खराब। तब हम लोग जब गए थे वहाँ गर्म कुंड में, कितना गंदा स्थिति था, जबकि इतना अच्छा जगह हो। पर्यटन वाला जो जगह सब है उस सबको सही करके रखना चाहिए कम से कम। आवा ना हो, ए हो दादा दादा बंगाली मिक्स कर दिए भोजपुरी में, वही ना भोजपुरी मारवाड़ी सब में ब्लॉग आ सकता है। बंगाली में नहीं आएगा, बंगाली हमको दादा आता नहीं है, है ना। बहुत मजा पानी रहता है अगस्त सितंबर, तब यहाँ पे आराम से बैठो, यहाँ तक पानी हमको लगता है। हाँ ये आता है, और ये इसलिए जाम करके रखा गया है कि बह के नहीं जा, कटे नहीं। नीचे में शायद बालू वाला जो बोरा होगा वो भी होगा अंदर, ऊपर से पत्थर, क्योंकि ये सब बना के रखा रहता है ना। पर देखो वहाँ पे कहाँ पे, देखो वहाँ पे नीचे में एकदम, तो नीचे तक, नीचे तक एकदम बिछाया हुआ है पूरा जाली लगा करके, तभी रोके रहता है, तो ये सब कट के दह जाएगा। वहाँ पे नाव भी है, नाव पे चलें क्या है? नहीं ये चलेगा जमीनी वाला इलाका पे, नहीं नहीं चलो वहाँ पे नदी किनारे चलते, देख रहा है दलदल टाइप का, दलदल नहीं है वो, जाता है, चलिए आइए इधर से आइए, अरे आइए कुछ नहीं होगा, इतना डरिएगा तो कैसे होगा, बिहारी डरता है जल्दी, डरने का बात है, तब प्रतिष्ठा में प्राण नहीं कमाना चाहिए, बिहारी का ही भी आदत, प्रतिष्ठा में प्राण कौन कमा रहा है, चलिए ना हो, डरिए नहीं, हम है ना, देखो मिट्टी कितना अच्छा होगा इसका, समझ रहे हो, बहुत उपजाऊ मिट्टी, हम तो बोलते हैं मिट्टी लेकर के चले का, एक ट्रैक्टर मिट्टी लेकर चलते हैं, उपजाऊ मिट्टी होगा ही पूरा, नहीं तो कार में भर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए अब बोलिए, कोसी का ये सबसे अभी निम्न रूप है, अभी देख रहे हैं कितना शांत है, जनरली कोसी इतना शांत होता नहीं है, कोसी जब अपना रौद्र रूप दिखाता है ना तो पानी हम इसके अंदर नहीं रहते, चले जाते अंदर, वहां तक पानी पहुंचा रहा है। तो अभी पानी जो है बहुत नीचे है, और अभी सीजन भी नहीं है ना, सीजन अब आ गया अक्टूबर का, ये सब आपको देखने को मिलेगा अगस्त में, आइए सितंबर तक, आइए सितंबर की मिड तक, बहुत ज्यादा पानी रहता है, ये सारा इलाका बाढ़ वाला इलाका है, ये सारा अंदर चला जाता है, पूरा जो इधर आदमी सब है ना वो सब डूब जाए, यहाँ पे डूबी जाता है लगभग, गांव गांव पूरा पहले से पता चल जाता है, इसलिए लोग अब यूज्ड होता है ना, आदी हो गया लोग, तो बांध वाले इलाके का लोग का आदत, लेकिन ये सब देख रहे होंगे आप अंदर, मिट्टी देखिए बहुत ज्यादा उपजाऊ रहता है, आस पास जो है खेती बहुत अच्छे तरीके से की जाती है, आता है की जब कोसी नदी अपने अवतार में आती है ना तो पूरा इलाका को डुबा देती है, हाँ और सबको शौक में डाल देती है। तब आप लोग मछली मारने आए हैं, और अब क्या इसी बंसी से मारते हैं, जाल नहीं लाते हैं आप लोग,
अच्छा खासा निकल जाता है मछली अभी ना? हाँ, निकल जाता है। कोसिए तो है, उतर गया तो वाह वाह, नहीं तो जाइए खाली। हाँ हाँ, वही हो जाता है। पानी पूरा यहाँ तक था ना? कितने दिन पहले तक पानी था पूरा ऊपर तक? 10 दिन पहले तक पानी था इसमें। 10 दिन के अंदर बताइए, ये सब डूबा हुआ था 10 दिन पहले, इसमें पानी चल रहा था। अच्छा खासा यहाँ पे पानी भरा रहा था, वही तो हम भी सोचे कि आज बहुत ज्यादा पानी जो है ना कम चला गया, नीचे ही जाएगा। अब बढ़ा आ गया ना तो पानी नीचे जाएगा। अब 3-4-5 महीना तक ऐसे ही, फिर जब बारिश का मौसम आएगा फिर से भर जाएगा पूरा। चलिए चलते हैं, बहुत ही मस्त जगह। हाँ, तो अब यहाँ से शायद मुझे ड्राइव करने को मौका मिल जाए। शायद नहीं, वो नहीं मिलेगा, ये कोई बात नहीं होगा। यार हमको भी दो यार, हद है, मतलब हम नहीं चलाएंगे, बच्चा सबको नहीं चलाएंगे। रुको एक ना, लोग वहाँ कर देते हैं, वहाँ जब से होगा लाइए इधर हम। अरे नहीं होगा, बैक करना है। अंडा सिखा बोले क्या? अंडा सिखा वे बचा के क्यों वाला नहीं होता है, लाइए तो आप। अब हो गया तो उसे मोड़ने का कोशिश, आगे गड्ढा है, नहीं मोड़ पाइएगा आप। देखने रहे जगह कहाँ है मोड़ने का, मोड़ने का जगह ये नहीं उतना मोड़ने का। हाँ, पीछे करके ले जाते हैं, हो जाएगा हमको लगता है। नहीं नहीं मुड़ पाएगा, कोशिश करने में क्या हर्ज है, हम कोशिश किए हैं था। नहीं मुड़ता है। नहीं, साइड में ना देख नहीं रहे हैं, वो थोड़ी है, इसको पीछे ले जाना पड़ेगा। चल, बोल दिया पीछे तो और आसान है। फिर हमको पीछे भी तो सिनेमैटिक व्यू बनाओ ना, पीछे जैसे गाड़ी जा रहा है, अच्छा लगता है देखने। हो गया, हम समझ गए समझ गए, यही है। छोटा होने का नुकसान जो है ना आप देख सकते हैं, आपको जो है जल्दी कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, जिद करना पड़ता है कोई भी चीज लेने के लिए। देख करके धीरे धीरे। अरे कहाँ हद है, मतलब ये तो लेकर के चले जाइएगा आप, समझ गए हम, एकदम बढ़िया है, वाह, कोना में एकदम घुसा रहे हैं, एकदम सही है, एकदम नहीं कोना में घुसा दिए, ले जा ही रहा था सीधे, दिखा नहीं आपको कहाँ से, देखो देखो देखो, दिखाते हैं अभी हम सबको दिखाते हैं, यही देखिए यही देखिए कहाँ का डिस्टेंस देख लीजिए, यहाँ से टायर थोड़ा सा इधर होता था बस, यहाँ से नीचे देख लीजिए, देख लीजिए ना कैसे गाड़ी चलाते हैं, वही दिक्कत है, क्या करेंगे, हमको तो मौका नहीं मिलता है भाई, बहुत कष्ट है जिंदगी में। चलिए चलते हैं अब घर, सीधा अब घर जाना है, तो क्या करें, ब्लॉग को यहीं समाप्त कर दें का, देखते हैं आगे कुछ मिलेगा तो दिखाएंगे आप लोगों को भी। चलिए लाइए हो, चलो चलो जल्दी जल्दी बड़ा जल्दी लेट हो रहा है। अरे नहीं हम ले जाते हैं, जल्दी लेट हो रहा है, चलो। अरे चलिए ना, अरे आइस आई उधर देंगे सिमराई वाला रोड। बहुत कष्ट है जिंदगी में, हो बहुत कष्ट, क्या बताएं, कष्ट का तो हम बयान नहीं कर सकते हैं। कष्ट है तभी जिंदगी स्पष्ट है। आपका डायलॉग सब जो हमको एकदम एक जरा भी अच्छा ही लग रहा है, यहाँ से तो हम ले आ सकते थे, प्लेन रोड था। कष्ट में रहो जिंदगी स्पष्ट रहेगा, ये सीख लो।